हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आखिर ट्यूबरक्लोसिस इतनी बड़ी समस्या क्यों है और ये लगातार क्यों लोगों को परेशानी का कारण बन रही है? इंडिया में लगभग 6 लाख लोग हर साल टीबी से मर जाते हैं। तो टीबी की जो बीमारी है और पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत बड़ा मसला है। आज भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डॉट सेंटर्स बनाए हैं, ट्यूबरक्लोसिस पे बहुत रिसर्च भी हो रही है और अब सेकेंड लाइन थेरेपी, थर्ड लाइन थेरेपी, इवन स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का भी सहारा लिया जा रहा है टीबी के इलाज में, लेकिन फिर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहे। यदि आपको लगातार फीवर रहता है, आपको खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपको बुखार आता है इवनिंग में, आपको ठंड लगती है, आपको जॉइंट में पेन आता है और लगातार आपका एपेटाइट कम हो रहा है और ये आपने उसका इलाज लेने के बावजूद भी यदि आपको खांसी और बुखार, कमज़ोरी, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये प्रक्रिया लगातार जारी है तो फिर आपको टीबी हो सकती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कुछ केसेस में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, खांसी नहीं होती है, खांसी फर्स्ट फेज में आती है फिर खांसी ठीक हो जाती है, या फिर खांसी बहुत मिनिमाइज रह जाती है लेकिन फीवर, हल्का फीवर इवनिंग में आएगा, आपको जॉइंट में पेन होगा, आपको भूख कम लगेगी और आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होगा और आपको लगातार वीकनेस बनी रहती है और लगातार फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती रहती है। तो ये एक कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। तो ये सिम्टम्स के साथ साथ इसका जो कॉज है वो है कि जो इसका बैक्टीरिया है टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो सभी लोगों में लगभग होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट कंडीशन लाइक कि आप बीमार हो जाएं, आपको टाइफाइड हो जाए लंबे समय तक, या फिर आपकी इम्यूनिटी किसी कारण बस लो स्टेट में रहे, इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर आपको डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक रहे लाइक प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, विटामिन डी, B12, तो ये सब कारण होते हैं उसके पीछे। लेकिन इसकी और भी थोड़ी सी कंडीशंस हैं, जैसे कि किसी को यदि हेपेटाइटिस है या फिर किसी को HIV है या फिर किसी को कोई ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन है या फिर आपको एनीमिया है लंबे समय तक, तो उन कंडीशंस के साथ भी टीबी काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई अवस्था जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता यदि आपकी कम होती है, आपके शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, तो फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। मोस्ट कॉमन जो टीबी है वो आपको बॉन्स का टीबी है, पेट का टीबी है, दिमाग की टीबी है, लेकिन 85% जो केसेस होते हैं वो पल्मोनरी टीबी के होते हैं, यानी कि फेफड़ों की जो टीबी होती है वो मैक्सिमम होती है इंडिया के अंदर। अब इसके पीछे फिर दूसरे भी कुछ कारण हैं। यदि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके लंग्स कमज़ोर हैं, आप स्मोक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप शुगर का इंटेक करते हैं, या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो आप सेंसिटिव हो जाते हैं, आप प्रोन हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी और हमें ये ध्यान भी रखना होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि जो डायग्नोसिस के लेवल पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, आपके जो सिम्टम्स हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये देखा जाता है कि सेकेंड फेज़ में या 4 से 6 हफ्ते जब गुजर चुके होते हैं तो एक्टिव इन्फेक्शन की कंडीशंस नहीं मिलती है डॉक्टर को, यानी कि आपके बलगम में या आपके चेस्ट एक्सरे में या फिर आपकी दूसरी जो जांचें होती हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नहीं आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीबी नहीं है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि आपको टीबी होती है लेकिन आपके सिम्टम्स थोड़े से डिसॉल्व हो जाते हैं और बॉडी सिम्टम्स को ना थोड़ा सा मैनेज कर लेती है, तो उस केस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उस केस में आवश्यकता ये है कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और चेस्ट एक्सरे रिपीटेडली कराया जाए, जिससे कि जो एक चेंज आता है, जो पैच बनता है और जो लंग्स के लेवल पे एक डिफरेंट पिक्चर डेवलप होती है उसको फिर समझ पाए हम। यदि चेस्ट एक्सरे से नहीं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फिर उसका CT किया जा सकता है चेस्ट का, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल जाती है। लेकिन 75% अगेन आई एम रिपीटिंग, पेशेंट की हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स ही आधार होना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस का, क्योंकि यदि हम सिम्टम्स को आधार नहीं मानेंगे, हिस्ट्री को आधार नहीं बनाएंगे, तो लगभग 30 से 40% केसेस में
जो हमारे पास टेस्ट के आज हमारे पास साधन हैं उसमें कुछ भी नहीं आता है, और हम पेशेंट को फिर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आती है ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है। आप कल्पना करिए कि आपको यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो आप 7 to 10 days भी एंटीबायोटिक नहीं खा पाते, तो कोई पेशेंट 6 to 9 months कैसे लगातार एंटीबायोटिक खाएगा। तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 90% लोग अपना इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण फिर रेजिस्टेंट डेवलप होता है और दवाइयाँ काम नहीं करती। तो ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसन है वो 6 to 9 months आपको लेनी ही होगी, और रेगुलर मेडिसिन लेना होगा। यदि आप रेगुलर मेडिसिन नहीं लोगे, आप कुछ समय दवाई लेके ये मान लेते हैं कि आपको अब नॉर्मल है आप, और आपको अब टीबी की दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत सोच है, ये गलत प्रक्रिया है। तो इससे आपको बचना होगा, क्योंकि आपको जो फ़ायदा हुआ है, जो आपके सिम्टम्स सेटल डाउन हुए हैं, वो टीबी की दवाई लेने से हुए हैं, कि ना कि नेचुरली ठीक हुए। तो कंप्लीट कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका एक डाइट का पार्ट। यदि आपकी बॉडी में विटामिन्स की और प्रोटीन की डेफिशिएंसी यदि बनी रहेगी तो आपको ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा, प्लस आपको दोबारा भी ट्यूबरक्लोसिस आने की संभावना बढ़ जाएगी, प्लस आपको मेडिसिन का रेजिस्टेंट भी ज़्यादा होने की संभावना होगी। तो यदि आप अपनी टीबी को सीरियसली ठीक करना चाहते हैं, अपने इन्फेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, तो दवाई टाइम से लेना है, दवाई पूरी लेनी है, उसके साथ साथ अच्छा प्रोटीन आपको लेना है, प्लस अच्छा न्यूट्रिशन आप रखेंगे, विटामिन्स आप रखेंगे। प्रोटीन के लिए आप दालें खाएं, अंडा खाएं, आप सोयाबीन खाएं, प्लस आप चना खाएं, आप गुड़ का सेवन करें। तो आप एक हेल्दी प्रोटीन डाइट पे जाएं और न्यूट्रिशन अच्छा लें, क्योंकि देखा ये गया है कि जिनको कम न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता फूड से, उन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना दूसरे नॉर्मल हेल्दी लोगों से ज़्यादा होती है। तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे। प्रिवेंशन में इतना ही है कि आप यदि किसी को खांसी है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, आप भी यदि आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं तो खुले में ना थूकें, और आप अपने क्लोथ्स हैं जैसे आप कॉमनली कोई चीज़ ना शेयर करें। दूसरा प्रिवेंशन के लिए यही है कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा न्यूट्रिशन लें, आपके खाने में यदि सफिशिएंट प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, और आपको कोई लंबे समय तक कोई बीमारी नहीं है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस होने की संभावना मिनिमाइज है। लेकिन यदि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो भी जाता है तो आप अपने डॉक्टर से, यदि आपको मेडिसिन नहीं काम कर रही है, रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के साथ ना डिस्कस करके स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन पे बात कर सकते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के ट्यूबरक्लोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इसको 3 months दिया जाता है, ये भी एक एंटीबायोटिक ही है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन को ठीक करने में सेकेंड लाइन ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन हो सकता है, और आपको वो कम्प्लीटली ठीक कर सकता है। लेकिन ये आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही डिसीजन लेना होगा, और उसके बाद आप ये इंजेक्शन अपनी थेरेपी में ऐड कर सकते हैं। बट कॉन्फिडेंस रखें, पॉजिटिव रहें, टाइम से दवाई लें, पूरा कोर्स करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, प्लस सेम टाइम आप थोड़ा सा बचाव भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।